नमस्कार। शुरुआत जी नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गाय के पुराने घी के क्या गुण हैं। जी हाँ, गाय वैसे तो कितनी भाग्यशाली सौभाग्यशाली है हमारे हिंदू और सनातन धर्म के अंदर, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, ऐसा बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बताया है। लेकिन उसके दूध का कितना बड़ा लाभ है हमारे लिए, उसमें कितने गुण हैं, और उस दूध के साथ जो घी बनता है उसके अंदर कितना महत्व है, कितनी गुणवत्ता है, ये हम आज आपको बताएंगे। गाय के घी की आहुतियां देने से पर्यावरण शुद्ध होता है। गाय के घी में चावल मिलाकर यज्ञ में आहुतियां देने से इथिलीन ऑक्साइड और फॉर्मोमोडिहाइड नामक यौगिक गैस इस रूप में उत्पन्न होती है कि उससे प्राणवायु शुद्ध हो जाती है, जो दोनों ही यौगिक जीवन रोधक होती है। प्रातः सूर्योदय के समय एवं सायंकाल सूर्यास्त के समय गाय का घी और चावल मिलाकर दो दो आहुतियां मंत्र के साथ देने पर आसपास का वातावरण कीटाणु रहित हो जाता है। गाय के घी से आहुतियां देने पर यह देखा गया है कि उससे यज्ञ के धुएं का प्रभाव ऐसा फैलता है कि आसपास के वायुमंडल में जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। और विश्वास मानिए आप कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए वैज्ञानिक पोपोलिन ऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। गाय के घी से आहुति देने पर यह गैस प्राप्त होती है। प्राचीन काल में भूजल का उपयोग कृषि की सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था। यज्ञ होते रहने से समय समय पर वर्षा होती रहती थी। शरीर में पहुंची रेडियो धर्मी विकिरणों का दुष्प्रभाव नष्ट करने की असीम क्षमता है। अग्नि में गाय का घी आहुति देने से उसका धुआं जहां तक फैलता है वहां तक का वातावरण प्रदूषण रहित और आणविक विकिरणों से मुक्त हो जाता है। ये कमाल है गाय के शुद्ध घी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक चम्मच गाय का घी अग्नि में डालने से एक टन प्राणवायु बनती है, ऑक्सीजन, जी हाँ, जो किसी भी तरह के उपाय से संभव नहीं है। और अब हम आपको बताते हैं कि इससे रोगों के क्या क्या इसका प्रभाव है, इससे कैसे कैसे रोग इससे दूर हो जाते हैं। कहते हैं पुराना घी बहुत गुणी होता है। जी हाँ, ये सच है। गाय का घी जितना पुराना होगा ये उतना ही गुणी होगा। पुराना घी तीक्ष्ण, खट्टा, तीखा, उष्ण, श्रवण शक्ति को बढ़ाने वाला, घाव को मिटाने वाला, योनि रोग, मस्तक रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, मूर्छा, ज्वर, श्वास, खांसी, संग्रहणी, उन्माद, कृषि, किम, इन सब दोषों को नष्ट करता है। और ये मान के चलिए कि आप 10 वर्ष पुराने घी को कौच और 11 वर्ष पुराने घी को महाधृत कहते हैं। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। प्रतिदिन रात्रि को सोते समय गौ दो बूंद, जी हाँ, दो बूंद देसी गाय के गुनगुने घी की आप नाक की छेदों में डाल लें। ये घी रात भर मस्तिष्क में प्राणवायु पहुंचाता रहता है और आपको आनंद आता है और आपको सोने के अंदर आनंद रहता है। और इसका कमाल यह है कि अगर ये क्रिया आपने प्रातः, दोपहर और रात को सोते समय कई महीने तक लगातार कर ली तो आपको श्वास की बीमारी कभी नहीं हो सकती और पुराने से पुराना रोग जो है वो ये ठीक कर देता है। सुषुप्ता, सूजन, रक्तस्राव, नासिक गिल्टी आदि ठीक हो जाते हैं, वायु मार्ग खुल जाते हैं। नाक में घी डालने के साथ साथ दो बूंद घी नाभि में डालें और फिर उंगली से दोनों ओर घुमाएं। गाय का घी अपने हाथ से पांव के तलवों पर मालिश करें, इससे बहुत अच्छी नींद आती है, शांति और आनंद प्राप्त होता है। देसी घी को रसायन कहा गया है, जो जवानी को कायम रखते हुए बुढ़ापे को दूर रखता है। काली गाय का घी खाने से बूढ़ा व्यक्ति भी जवान जैसा हो जाता है। गाय के घी में स्वर्ण क्षार पाए जाते हैं, जिसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं, जो कि गाय के घी के अलावा अन्य घी में नहीं मिलते। और गाय के घी से बेहतर कोई चीज नहीं है, क्योंकि गाय के घी में वैक्सीन एसिड, ब्यूटिक एसिड, बीटा कैरोटीन जैसे माइक्रो यूनिटिक्स मौजूद होते हैं, जिसके सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। गाय के घी से उत्पन्न शरीर के
माइक्रो यूनिट्स में कैंसर युक्त तत्वों से लड़ने की क्षमता होती है। यदि आप 10 ग्राम घी से हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये मान के चलिए कि उसका परिणाम वातावरण में लगभग 1 टन ताजा ऑक्सीजन गैस का उत्पादन करते हैं। यही कारण है कि मंदिरों में गाय के घी का दीपक जलाने की, धार्मिक समारोह में यज्ञ करने की ये प्रथा इसीलिए प्रचलित है कि जिससे वातावरण के अंदर फैले हुए परमाणु विकिरणों को हटाने की अद्भुत क्षमता लगातार बनी रहे। गाय के घी के उपयोग भी बहुत है। गाय के घी से बल और वीर्य बढ़ता है, ये शारीरिक और मानसिक ताकत में इजाफा करता है। गाय का घी नाक में डालने से कोमा से बाहर निकलकर चेतना वापस लौट आती है। गाय का घी नाक में डालने से पागल बल दूर होता है। गाय का घी नाक में डालने से एलर्जी खत्म हो जाती है। जी हाँ, अनिद्रा का रोगी शाम को दोनों नथुनों में गाय के घी की 2 बूंद डाले, रात्रि को नाभि और पैर के तलवों पे गाय का घी लगाकर लेट जाए तो उसे प्रगाढ़ निद्रा आएगी। नाक में घी डालने से नाक की खुश्की दूर होती है, दिमाग तरोताजा रहता है। गाय का घी नाक में डालने से लकवे का रोग का उपचार होता है। गाय का घी का नियमित सेवन करने से एसिडिटी व कब्ज की शिकायत कम हो जाती है। यदि आपको अधिक कमजोरी लगे तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय के घी का और मिश्री डालकर पीजिएगा, आपको कमजोरी नहीं लगेगी। गाय का घी नाक में डालने से बाल झड़ने समाप्त हो जाते हैं, नए बाल आने लगते हैं। गाय के घी को नाक में डालने से मानसिक शांति मिलती है, याददाश्त तेज होती है। इसलिए पहले के लोगों में ऊर्जा और ज्ञान का अभाव नहीं था, मुझबानी वो पूरे ग्रंथों को रट लिया करते थे क्योंकि उनकी मानसिक याददाश्त बहुत तेज हुआ करती थी। हिचकी के ना रुकने पर खाली गाय का 1/2 चम्मच घी खाएं, हिचकी स्वयं रुक जाएगी। गाय का घी नाक में डालने से कान का पर्दा बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो जाता है। हथेली और पांव के तलवों में जलन होने पर गाय के घी की मालिश करने से जलन में आराम आएगा। गाय का घी न सिर्फ कैंसर को पैदा होने से रोकता है, इस बीमारी के फैलने को भी आश्चर्यजनक ढंग से रोकता है। देसी गाय के घी में कैंसर से लड़ने की अचूक क्षमता होती है। इसके सेवन से स्तन और आंत के खतरनाक कैंसर से बचा जा सकता है। गाय के पुराने घी से बच्चों को छाती और पीठ पर मालिश करने से कफ की शिकायत दूर हो जाती है। हाथ और पांव में जलन होने से गाय के घी को तलवों में मालिश करने से जलन ठीक हो जाती है। 20 से 25 ग्राम घी मिश्री खिलाने से शराब, भांग व गांजे का नशा कम हो जाता है। सांप के काटने पर 100 से 150 ग्राम घी अगर आप पिलाते हैं और गुनगुना करके, तो उससे उल्टी और दस्त तो लगेंगे लेकिन सांप का विष कम हो जाएगा। फफोलों पर गाय का देसी घी लगाने से आराम मिलता है। गाय के घी की छाती पर मालिश करने से बच्चों के बलगम को बाहर निकलने में सहायता होती है। 2 बूंद देसी गाय का घी नाक में सुबह शाम डालने से माइग्रेन दर्द ठीक होता है। सिर दर्द होने पर शरीर में गर्मी लगती हो तो गाय के घी को पैरों के तलवे पर मालिश करें, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक की तकलीफ है और चिकनाई खाने की मनाही है तो वो गाय का घी खाए, हृदय मजबूत होता है। संभोग के बाद कमजोरी आने पर 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर गाय का दूध ले, इससे थकान बिल्कुल कम हो जाएगी। एक बात याद रहे कि गाय के घी के सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वजन भी नहीं बढ़ता, बल्कि वजन को संतुलित रखता है। यानी कि कमजोर व्यक्ति का वजन बढ़ता है और मोटे व्यक्ति का वजन कम होता है। 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी, बूरा और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, इन तीनों को मिलाकर सुबह खाली पेट और रात को सोते समय चाट कर ऊपर से गर्म दूध पिए तो आंखों की ज्योति बढ़ती है। गाय का घी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। उच्च कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को गाय का घी खाना चाहिए, यह एक बहुत अच्छा टॉनिक है। अगर आप गाय के घी की कुछ बूंदे दिन में 3 बार नाक में प्रयोग करें तो आपको वात, पित्त और कफ होगा ही नहीं। गाय के घी को ठंडे जल में फेंट लें और फिर घी को पानी से अलग कर लें। ये प्रक्रिया लगभग 100 बार करें और इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर मिला दें। इस विधि द्वारा प्राप्त घी एक असरकारक औषधि में परिवर्तित हो जाएगा और इस विधि को, इस मरहम को आप त्वचा संबंधी हर चर्म रोग में चमत्कारिक मल्लम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से गाय का घी अमृत है, अमृत।
गाय का घी कितने तरीकों में, कितनी चीजों में, कितनी बीमारियों में, कितनी जगहों पर काम आता है। कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, हृदय रोग को खत्म करता है। गाय का घी खाइए, एक चम्मच गाय का घी खाइए, हृदय रोग को भगाइए। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार हम पर लुटाते रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपनी टिप्पणियां हमको भेजते रहिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।